हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं जनरल मेथड की हेल्प से। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। बेसिकली ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1 1 - 3 xi u j dj। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स प्लस लैम्डा। और बेसिकली सेपरेबल करने वाला वन वन सेपरेबल करने के लिए क्या होना चाहिए, यू एक्स और बी जाई, यानी अलग अलग फंक्शन के फंक्शन होने चाहिए यू एक्स और बी जाई। इसको इसको अगर हम ले लें वन डॉट, इसको हम लिख सकते हैं सॉरी एफ एक्स या इसको प्लस लैम्डा 0 to 1 1 dot 1 - 3 xi u j dj। तो ये हमारे पास यू एक्स हो गया बी जाई, और इस तरह से यू एक्स एंड ये फंक्शन जो हो गया बी जाई, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर लैम्डा प्लस सॉरी एफ एक्स ये सॉरी एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस लेमडा। ये एक बन यू एक्स वाला फंक्शन तो बाहर आ जाता है हमेशा, हमें पता है। तो ये हो गया हमारे पास, ओनली जाई वाला फंक्शन बचेगा, यानी कि वन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया यू जाई डी जाई प्लस प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, माइनस लेमडा 3x। और ये हो गया 0 to 1 इंटीग्रेशन, और ये हो गया जाई यू जाई डी जाई। तो हमारे पास C1 तो ये हो गया ये फंक्शन, और C2 हो गया ये जाई यू जाई वाला फंक्शन, जो कि हमने इंटीग्रल इक्वेशन के जो जनरल मेथड था उसमें हमने यू C1 और C2 निकालना देखा था। तो ये हमारे पास C1 है, ये C2 है। C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइन। अब C1 और C2 जो है कॉन्स्टेंट है, जो कि हमें डिटरमाइन करने हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर द लिमिट 0 to x, यानी इस फंक्शन को जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 to 1 के लिए। तो ये हमारे पास 0 to 1 यू एक्स डी एक्स बराबर 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 C1 3x C2 dx, ये हो गए हमारे पास। अब C1 बराबर क्या है, C1 बराबर यहाँ से इक्वेशन थ्री को यूज करके, इक्वेशन थ्री को यूज करके C1 बराबर क्या है 0 to 1 ये फ्रेंड्स 0 to 1 यू एक्स डी एक्स क्या था, C1, क्योंकि सिंपली अगर इसको यू जाई डी जाई रेट में वेरिएबल चेंज कर ले तो ये C1 हो गया 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये रहा हमारे पास लेमडा। C1 जो है कॉन्स्टेंट है, तो C1 अगर इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से ये वाला इंटीग्रेशन होगा ओनली 3x² / 2, और ये हो जाएगा C1x - और लिमिट जो होगी वो हो जाएगी 0 to 1। तो ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो C1 - 3/2 और ये C2 जो कि मल्टीप्लाई में C2 है, ये वाला C2 और 0 अप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये टर्म आ चुकी है लैम्डा C1 - 3/2 C2। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से एक रिलेशन आ गया 1 - λ C1 + 3/2 λ C2 = F1, वेयर F1 जो है वो क्या है हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म है ये हमारे पास F1 है। और अब दोबारा से फिर से नाउ मल्टीप्लाइंग टू, जो टू को हमने मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन नंबर टू को मल्टीप्लाई बाई, बेसिकली मल्टीप्लाई किससे करना है हमें जाई से, मल्टीप्लाई जाई से करके 0 to 1 इंटीग्रेशन कर देना है। तो मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स एक्स से हमने इसलिए किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स यू एक्स डी एक्स, तो बेसिकली एक तरह से इसको हम वेरिएबल चेंज करके हम यू जाई डी जाई भी लिख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन सेम होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया C2 बराबर, और इसको मान लिया हमने F2 और प्लस लेमडा। और ये हमारे पास चूंकि एक्स का मल्टीप्लाई है और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा सकता है इजीली, तो इंटीग्रेशन करके और वैल्यू लिमिट अप्लाई करके ये आ गया हमारे पास रिलेशन C2 = F2 λ C1/2 - C2, या दूसरा रिलेशन आ गया -λ/2 C1 + 1/λ C2 = F2।
ये रिलेशन आ गया जहाँ पे एफ टू बराबर ये है। अब हमारे पास डेल लेमडा, डेल लेमडा देखना है, तो बेसिकली हमें जो सी वन और सी टू का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो था वन माइनस लेमडा, वन माइनस लेमडा, तो ये वन माइनस लेमडा, और यहाँ पे सी टू के लिए था थ्री अपॉन टू लेमडा, और यहाँ पे था माइनस लेमडा अपॉन टू, और यहाँ पे था वन प्लस लेमडा। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया इसका, जो कि जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास वन माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर, या डेल लेमडा बराबर, इसको हम सॉल्व करके फोर फोर माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर। तो इक्वेशन फाइव और सिक्स कैन बी रिलेटेड, जो इक्वेशन नंबर फाइव और सिक्स जो है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर सिक्स और इक्वेशन नंबर फाइव, ये फाइव इक्वेशन नंबर फाइव, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस लेमडा ए सी एफ, जहाँ पे एफ बराबर बेसिकली एफ वन और एफ टू है, दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख रहे हैं, और सी सी बराबर जो है वो है सी वन एंड सी टू, और ए बराबर जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बराबर ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल्सो, और डेल लेमडा बेसिकली डेल लेमडा बराबर वन माइनस डेल लेमडा जो है वो डेल लेमडा है, डेल लेमडा यानी कि ये वाला फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास वेन, अब यहाँ पे हम केस जो स्पेशल केस बनते हैं, वेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ इक्वल टू जीरो, वेन इक्वेशन फाइव एंड सिक्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिंपली अगर हमारे पास फाइव एंड सिक्स, अगर यहाँ पे बात करें एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ इक्वल टू एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन फाइव और सिक्स जो है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इफ डेल लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये डेल लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में दैट इज लैम्डा बराबर प्लस नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो रहा था, यानी अगर प्लस माइनस टू के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। व्हेन लैम्डा बराबर टू और माइनस टू, देन दीज इक्वेशन हैव आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास केस बनता है जब लैम्डा बराबर टू है, तो जब लैम्डा बराबर अगर टू पुट कर दें तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस सी वन प्लस थ्री सी टू, माइनस सी वन प्लस थ्री सी टू, और ये एफ वन एफ टू एफ टू, दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन जो है कब सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर एफ वन नॉट इक्वल टू एफ टू है, अगर एफ वन इक्वल टू एफ टू है तब तो इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, बट अगर नॉट इक्वल है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक पैरेलल लाइन बन जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, अगर और एफ वन बराबर एफ टू है तो इसका मतलब हमारे पास जीरो टू वन एफ वन एक्स डी एक्स बराबर जीरो टू वन एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी कि वन माइनस, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो, दस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। इस तरह से गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एफ एक्स यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टू सी वन ए वन एक्स प्लस सी टू ए टू एक्स। अब सी वन ए वन एक्स की वैल्यू एंड ए टू एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो ए वन एक्स की वैल्यू वन एंड ए टू एक्स की वैल्यू माइनस थ्री एक्स, जो कि हमारे पास वहां से गिवन थी। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स बराबर टू प्लस थ्री सी टू, बेसिकली इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस एफ वन माइनस थ्री एक्स सी टू। अब यहां से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं एफ वन एंड एफ टू की, यहां से निकाल के इस इक्वेशन से सी वन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास यू एक्स बराबर एक ही रिलेशन आ गया इस तरह से। सी टू जो है एक आर्बिट्री, यानी एक इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं सी टू की वैल्यू चेंज करने पे। इफ लैम्डा इक्वल टू माइनस टू है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ऊपर किया था उसी को हम नीचे करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। केस सेकंड जो बनता है वो बनता है व्हेन एफ एक्स बराबर जीरो एंड एफ इक्वल टू जीरो, इन दिस केस इक्वेशन फाइव एंड सिक्स बिकेम्स, इस कंडीशन में इक्वेशन फाइव और सिक्स जो है वो इस तरह से बन जाएंगे, ये भी जीरो मतलब इसका भी जीरो इसका भी जीरो। तो यहाँ पे सी वन एंड सी टू बराबर, ये तो हमारे पास आर्बिट्री सॉल्यूशन होंगे इसके, क्योंकि सी वन और सी टू इक्वल टू जीरो होने पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दस यू एक्स बराबर जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। इफ लैम्डा इक्वल टू टू, अगर लैम्डा इक्वल टू टू है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा सी वन बराबर थ्री सी टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में यू एक्स वाली में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से लैम्डा बराबर माइनस टू में, इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने पुट करते हुए आए थे, यहाँ पे इस तरह से पुट करनी है वैल्यू, तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन रहेंगे लैम्डा बराबर माइनस टू पर भी। व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ बराबर जीरो, इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू
2 एंड -2, तो इस तरह से इसके भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम चेक कर सकते हैं इजीली।